साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन. देखिए एक कार्बोकेटायन होता है हमारे पास लाइक दिस. This carbocation is very stable. Exceptionally stable carbocation कहा जाता है. इसको बोला जाता है cyclopropyl methyl carbocation. ठीक है. अब ये कैसे होता है और क्यों स्टेबल होता है. ठीक है. इसमें हालांकि कोई स्टेबलाइजेशन फैक्टर हमें ऊपर से नजर नहीं आ रहा है, ना ही इसमें कोई एरोमेटिसिटी जैसी कोई चीज हो रही है, ना ही आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर बहुत एक्सेप्शनली हाई रेजोनेंस कुछ भी नहीं दिख रहा आपको. कुछ दिख रहा है इसमें? देयर इज नो कॉन्जुगेशन. नॉर्मल या तो प्लस है या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, वो भी बहुत कम. अगर आप इस कार्बोकेटायन को देखते हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाइज तो एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर. तो ये क्यों एक्सेप्शनली स्टेबल है, वेरी स्टेबल कार्बोकेटायन की कैटेगरीज में क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि हमें पता है जब हम sp3 से sp2 और sp2 से sp की तरफ पहुंचते हैं. नाउ हेयर द बॉन्ड एंगल इज 109.8, हेयर बॉन्ड एंगल इज 120, हेयर बॉन्ड एंगल इज 180, राइट. हेयर द परसेंटेज पी कैरेक्टर इज 75, परसेंटेज पी कैरेक्टर इज ऑलमोस्ट 67, परसेंटेज पी कैरेक्टर हेयर इज 50%, है ना. सो आई कैन से एज माय बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग माय परसेंटेज पी कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग. सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीजेस. नाउ कैन यू जस्ट डू दिस फॉर दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम? नाउ इफ वी लुक to the system here, the bond angle is 60 degree, which is very less. और इसमें अगर आप सोचो अगर 109 के आसपास bond angle है तो आपका percentage पाई 75% है. तो अगर bond angle 60 के आसपास हो जाएगा तो percentage पी कितना हो जाएगा? 90-95% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 60 से छोटा bond angle कभी होता है किसी cyclic system में? 60 से छोटा bond angle होता है? नहीं होता, है ना. तो 60 तो सबसे minimum bond angle है, मतलब maximum P character होगा इस compound के अंदर, है ना. तो मतलब somewhat like 90-95% P character है इस पूरे molecule के अंदर. तो P character ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जैसे suppose ये है हमारा CH2 carbocation है ना, यहाँ पे तो एक P orbital इसका क्या होगा? खाली होगा with a positive charge. Now here you will see कि इस particular bond में जो carbon-carbon bond है, इस bond में percentage P character क्या है? ज़्यादा. तो अगर P character ज़्यादा होगा तो ये जो जैसे bonds है हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऐसे बन रहे हैं, इस तरीके से बन रहे हैं, है हेड ऑन ओवरलैप करके. तो पी कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये थोड़ा सा उठने लगेंगे, बिकॉज़ पी ऑर्बिटल आर लाइक दिस, सो दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई अ पी ऑर्बिटल शेप, है ना. तो ये जो सारे बॉन्ड्स होते हैं इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरीके से बेंट हो जाते हैं, समवेयर लाइक दिस. यहां पर भी जो ऑर्बिटल होगा वो इस तरीके से क्या हो चुका होगा? बेंट हो गया. इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है पी ऑर्बिटल की शेप लेने की कोशिश कर रहे होंगे, मतलब दे विल ट्राई टू बी लाइक दिस पी ऑर्बिटल टाइप, है ना. सो ये इस तरीके से ना होकर इस तरीके से उठना चाह रहे हैं, ठीक. तो इस बेंट ऑर्बिटल का जो है आराम से यहां पर क्या हो सकता है? ओवरलैप, ठीक. तो जैसे आप कॉन्जुगेशन देखते हैं तो कॉन्जुगेशन में ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव सिग्मा एंड अ पाई बॉन्ड, एंड अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल ओवरलैप. तो डोंट यू थिंक दिस इज ऑक्यूपाइंग अ पाई ऑर्बिटल टाइप थिंग, या फिर पाई बॉन्ड टाइप कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है इसके अंदर, और ये पाई सिग्मा और पी है ना. यू कैन सी देयर इज अ कॉन्जुगेशन, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन ये ऑर्बिटल ऑटोमेटिकली इस ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकता है? ओवरलैप कर सकता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है? नलीफाई कर सकता है. द पॉजिटिव चार्ज इज बींग नलीफाइड एंटायरली बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है? नलीफाई होता जा रहा है, एंड दैट्स वॉट वी वॉन्ट. वी वॉन्ट टू नलीफाई द पॉजिटिव चार्ज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी. दिस इज बींग हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. इसको बोला जाता है बेटा बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप. क्या बोला जाता है बेटा? बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप. हालांकि कोई भी अच्छी किताब पढ़ लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप, बट पता नहीं क्यों टीचर्स इसे डांसिंग रेजोनेंस का नाम भी देते हैं. हालांकि किसी किताब में नहीं लिखा कि इस तरीके के रेजोनेंस को हम डांसिंग रेजोनेंस बोलेंगे, बट ऐसा बोला जाता है. देयर आर सर्टेन टीचर्स जो क्लेम करते हैं कि इस रेजोनेंस को डांसिंग बोला जाता है. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, कहीं ऐसा ना हो कहीं एग्जाम्पल में लिखा रहा है वर्ड डांसिंग रेजोनेंस. तो हालांकि ऑफिशियली डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट अ वर्ड,
ऑफिशियली इस पूरे प्रोसेस को बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप ही बोला जाता है. मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कहेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर समझाने की बात बोलेंगे तो वी विल कॉल इट बेंट ऑर्बिटल ओवरलैप. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ डांसिंग रेजोनेंस या फिर सिग्मा रेजोनेंस. सिग्मा रेजोनेंस इज अ मच बेटर वर्ड देन डांसिंग रेजोनेंस बिकॉज द सिग्मा ऑर्बिटल इज बींग ओवरलैप्ड बाय द पी ऑर्बिटल. डू यू अंडरस्टैंड? तो इस वजह से ये जो हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन हो जाता है ये क्या हो जाता है? एक्सेप्शनली स्टेबल. अब इवेंचुअली जितने ज़्यादा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन होंगे कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा. मतलब ये वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होने वाला है और इससे भी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है ये वाला कार्बोकेटायन और इनसे भी ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला. तो इस तरीके से साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो कंपाउंड की कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी. बोलो, बात समझ आई? कॉन्जुगेशन देखो क्रॉस नहीं हो रहा. हालांकि आप देख रहे हैं ये क्या, ये परफेक्ट ओवरलैपिंग तो नहीं है ना. दिस इज 10:2 ओवरलैप. तो इसका मतलब ये कभी भी परफेक्टली ओवरलैप करके तो उसे मिनिमाइज करेगा ही नहीं. तो अगर यहाँ से भी मिनिमाइजेशन का प्रोसेस है तो वो एक्सेप्टेबल होगा. एक्सेप्टेबल तब नहीं होता जब ये पूरा पूरा इसे सेटिस्फाई कर रहा होता, तो दूसरा जो आता अगर वो करता तो ये नहीं कर पाता. बट ये इसे पूरा पूरा ओवरलैप तो करेगा नहीं, तो इसलिए कोई क्रॉस कंजुगेशन वाला फैक्टर नहीं आएगा. दिस इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज दिस बट इट इज नॉट एबल टू स्टेबलाइज इट कम्प्लीटली. सो मोर नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स वी हैव, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ अ कार्बोकेटायन टू गेट स्टेबलाइज. बात क्लियर हुई? ठीक.